हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बस सुबह से उठ करके नन्नू का थोड़ा लंच बॉक्स बना रही थी मैं। आजकल आपको पता है वीडियो बहुत कम शूट करती हूँ। शूट करने में तो कुछ नहीं है, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है ना कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का ध्यान ही नहीं रहता है। और फिर रिकॉर्ड तो कर लो और फिर उसको एडिटिंग करना, इन सब में टाइम लग जाता है। तो वही आज मैं उसके लिए ना जल्दी से आलू का पराठा बना रही थी। मैंने बोला वही रख देती हूँ, उसको पसंद भी है थोड़ा। तो आप सब लोग बोल रहे थे, मतलब आप सबने कमेंट किया है, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए सभी ने मोस्टली, कि भाई मतलब पढ़ाई कर रहे हो आप इस उम्र में आ कर के, अच्छी बात है और मोटिवेशन मिल रहा है। और वहीं इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है कि मतलब बच्चों को पढ़ाने की उम्र में आप खुद पढ़ रहे हो, इस टाइम पर मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है मुझे लगता है। और अगर आपको पढ़ना है, कुछ करना है, तो आप कभी भी कर सकते हो। और देखो, और कई लोग बोल रहे हैं आपका स्टडी रूटीन क्या है, आप वो बताइए। तो देखिए, अभी तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं सक्सेसफुल हो भी रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ, तो मैं अपना रूटीन शेयर करके अभी क्या ही करूँगी। अगर कुछ होता है तो फिर डेफिनेटली हम ब्लॉग पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो बाद में फिर शेयर करते रहेंगे अगर कुछ होता है तो। वैसे तो दिल्ली बहुत दूर है अभी, बहुत मेहनत की ज़रूरत है और थोड़ा सा वही है, पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, बच्चे होते हैं, ससुराल होता है, थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना होता है। खैर ठीक है, तो करते हैं जब तक कि, देखते हैं कब कितने दिन तक ये जर्नी चल रही है। और बस इसके बाद नहा धो कर के आए और जल्दी से हम यहाँ पर खाना बना रहे हैं। आज थोड़ा सा मंदिर जाना है मम्मी लोग को, मैं तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि यार मैं जाऊँगी तो फिर 1-2 घंटे वहीं निकल जाएंगे मेरे। तो मम्मी और स्मोली जा रही हैं, तो थोड़ा सा वही प्रसाद लेकर के जा रही हैं। तो वही पूड़ी और सब्ज़ी हम लोग बना रहे थे, तो वैसे तो स्मोली ही बना रही थी, फिर मैं भी आ गई थी हेल्प करने के लिए, और मम्मी भी अपना पूजा की तैयारी व्यारी कर रही हैं। तो बस ये पूड़ियाँ बेल करके मैं तल रही थी, इतने मैंने स्मोली में मुझे ज्वाइन कर लिया था, फिर वो बेल दी गई, फिर मैंने तल लिया था, फटाफट बन गया था, फिर खाने से भी फ्री हो गए थे, फिर इसके बाद कोई भी काम नहीं था। और आज और रूपति छुट्टी पे रहने वाली, कल से आ जाएंगी, थोड़ी चीज़ें हैं जो वो संभल जाएंगी, क्योंकि एकदम हर कुछ कर लो चारों तरफ का, फिर सब कुछ कर लो पॉसिबल नहीं हो पाता है। थोड़ा सा ये है कि बच्चों को भी देख लेती हैं रूपति दी। हे एवरीवन, खाना पीना निपटा के जल्दी से मैं थोड़ी सी 2-3 घंटे पढ़ने बैठी, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई। और आज एक जगह जाना है, वो ज़रूरी है थोड़ा जाना, तो मुझे बीच में उठना पड़ा। तो मैं जा रही हूँ सुहागले में, पढ़ते वक्त ऑब्वियसली क्या ही वीडियो बनाऊँगी मैं, ऐसा हो जाता है। तो ना हमारी कॉलोनी में ना अभी शादी हुई थी एक दीदी की, बबीता दीदी की, तो वो अभी शादी के बाद आई हैं यहाँ पर, तो सुहागले होती है उसमें जाना है। मैंने स्मोली को बोला था तुम चल जाओ, स्मोली बोलती भाई मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि अभी अभी शादी हुई है, जैसे बोलती मैं ज़्यादा किसी को पहचानती नहीं हूँ तो आप चले जाओ करके। तो फिर हो गया, फिर मैं जाऊँगी। तो वही फटाफट से साड़ी निकाली मैंने, ये वाली साड़ी जो किरण ने मुझे दिवाली में दी थी ना, शायद दिवाली में दी थी, हाँ, तो वही साड़ी, साथ ही येलो पिंक कलर का ब्लाउज है, ये पहन रही हूँ मैं। एंड बस फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाते हैं और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ा रुक के। इस गर्मी इतनी हो रही है ना कि साड़ी पहनने में तो भाई जान निकल रही है, सच में बहुत दिन बाद आज मैंने साड़ी पहनी है। चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, बच्चों को तो ऑब्वियसली लेके नहीं जाऊंगी, और सीधी रह रही है दादी के पास रह जाती है वो नीचे, चाची दादी रूपा दीदी भी आने लगी हैं आज से, वो भी 8-10 दिन की छुट्टी पे गई थी, तो इसलिए ना मेरे लिए वीडियो डालना भी और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, थोड़ा वो हो जाता है क्योंकि वही है क्लासेस से मोस्टली टाइम निकल जाता था। चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, और सबसे पहले मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, तो उसके लिए यूज़ कर रही हूँ ये वाला, देखिए मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लो फुल कवरेज फाउंडेशन है, ये विटामिन सी है इसके साथ में, ऐसे पंप टाइप में है, बहुत अच्छे से निकल जा रहा है और ट्रैवल फ्रेंडली है, छोटा सा है इसका पैक, SPF 35 के साथ आता है, तो आप इसको धूप में जैसे बाहर जाना है तब भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको कभी कॉलेज जाना है हर रोज़, ऑफिस जाना है तो तब भी आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, इस फाउंडेशन में आपको 6 डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे, जिसमें कि टर्मरिक और विटामिन सी मिला हुआ है, जो कि 3 टाइम्स इंस्टेंट ग्लो देता है और 12 आवर्स तक की हाइड्रेटिंग रहता है, बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी मिला हुआ है। साथ ही ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, तो इसको आप हर रोज़ भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात बता दूँ कि मामा अर्थ का ये प्राइमर भी है विटामिन सी से भरपूर, बहुत ही अच्छा प्राइमर है, इसको आप लगाओगे ना और इसके बाद आपका स्किन को ये प्रिपेयर कर देता है, और इसके बाद आप फाउंडेशन को अप्लाई करिए। चलिए जल्दी से हम 6 डिफरेंट शेड्स को देखते हैं।
मैंने यहाँ पर शेड नंबर 2 अप्लाई किया है, क्रीमी ग्लो, बहुत ही लाइट वेट और नॉन ग्रीसी है, साथ ही आपके पोर्स को हाइड कर देता है। टर्मरी को विटामिन सी की वजह से ही नेचुरल ग्लो देता है। सो अगर आपको ये फाउंडेशन परचेज करना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नाइका, मामा डॉट इन और मामा अर्थ ऐप पे मिल जाएगा। साथ ही अगर मेरा कूपन कोड SONA2024 आप यूज करते हैं मामा अर्थ ऐप या वेबसाइट पे तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मामा अर्थ लिसन्स टू यू, सो यूज योर प्रोडक्ट एंड शेयर योर फीडबैक। दे इम्प्रूव देयर अनियन शैम्पू बेस्ड ऑन योर इनपुट, प्लस दे आर ऑलवेज अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी। मामा अर्थ का ऐप भी अवेलेबल है, वहाँ पर आपको ऑफर्स और डील्स बहुत जल्दी पता चलेंगे, साथ ही इनके ऑफलाइन स्टोर्स भी अवेलेबल। और ये बैंगल्स मैं देख रही थी कौन सी पहन के जाऊँ। अच्छा आप एक बात बताइएगा, मेरे पास ना जितने भी लाख के बैंगल्स हैं ना, वो ना ज़्यादातर क्या होता है ना, रखे रखे ना वो चिपक जाते हैं, क्योंकि हम बहुत आराम से 2-3 दिन महीने बाद पहनते हैं। तो आप बताइए अगर इसका कुछ सोल्यूशन है, वो आपस में रखे रखे चिपक जाते हैं, कुछ ऐसा तरीका हो जिससे कि वो अलग हो जाए। तो खैर ये वाले नहीं चिपके हुए थे, मैंने बोला चलो ये पहन लेते हैं, इसके साथ वाले और थे वो चिपक चुके हैं। ऐसे मम्मी की बैंगल्स के साथ भी हुआ है, पता नहीं शायद गर्मी में हो जाते होंगे। इसमें तैयार हो गई हूँ अभी, मुझे ना काजल लगाना है, बिना काजल के थोड़ा फेस अजीब सा लग रहा है। मेरा काजल ना नीचे रखा हुआ है और बस नीचे जाके वो लगा लूँगी, और प्रिंस की मम्मा है तो वो बस बाहर मिल जाएंगी मुझे, और फिर बस हम चलते हैं और फिर बस मिलती मैं आपसे। मैं आ रही ना सुई लगवा के। मैं आ रही हूँ, हाँ मैं पैसे लेके नहीं जा रही हूँ। बाय 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 करने लगे। क्या यहाँ पे आ रही हूँ मैं। तो जैसे ही मैं साड़ी पहन के आई ना, सीधी समझिए मम्मा कहीं जाने वाली है, वो रोने लगी थी। फिर उसको बोला मैं सुई लगाने जा रही हूँ, फिर उसको खैर समझा दिया पास में आ रही हूँ, सीधी अब भी आ रही है रुक जाओ, फिर उसने बाय बाय कर दिया। तो आपने देखा ही सही, बस यहाँ पर हम आए तो सबसे पहले महावर लगा, थोड़ा हम लेट ही हो गए थे कि मतलब पूजा हो जाती है, मतलब शादी वाली सुहागलों में इतना नहीं होता है कि 10-12 लोग भी जुड़ते तो पूजा हो जाती है, तो पूजा तो हो गई थी। फिर हम यहाँ पर आए, फिर वो ओली डाला उन लोगों ने, एंड देन इसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठे। और आपको पता है बहुत बार दिखा चुकी हूँ, ओली जब डालते हैं तो मतलब ओली में ना चना और गुड़ भी होता है, तो वो 7 चना छील करके और थोड़ा सा गुड़ मीठा भगवान को मतलब चढ़ा दिया जाता है, हर को चढ़ाता है, और बस फिर उसके बाद खाना खाते हैं। बस इसके बाद हम लोग खाना खा करके और आ गए थे फटाफट से घर में, आधे घंटे में ही फ्री हो गए थे वहाँ से। और फिर उसके बाद जैसे ही मेरे को ना सिद्धि ने मेरे पैर पे ना महावर लगा हुआ देख लिया था, तो वो रोने लगी कि मुझे भी लगाना, दादी फिर उसको बैठ करके लगा रही थी। फिर बस मैं जल्दी से चेंज करके फिर से मैं बैठ गई थी थोड़ा सा पढ़ने वढ़ने के लिए। आज ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाई क्योंकि आज कहीं ना कहीं जाना था इसी वजह से। फिर हो गया शाम का टाइम है, ये रात का इन्फेक्ट हो गया, 8 करीब बज रहे हैं, फिर मैं आपको किचन में मिल रही हूँ। हम लोग जल्दी से खाने की तैयारी कर लेते हैं। और पता है क्या हुआ, यहाँ पर मैं आलू और गोभी को ना फ्राई कर ही रही थी और उधर स्मूली ना सब्जी की ग्रेवी बना रही थी, मतलब हम आज फ्राई करके बना रहे थे, फिर उसके प्याज और टमाटर की ग्रेवी बना करके आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते। लेकिन फिर इतने में क्या हुआ, इन लोग का मन किया तो इन लोगों ने ना सब्ज़ी मतलब बनी बनाई भेज दी थी यहाँ पर। तो बस फिर हमने बोला अब चलो कोई बात ही नहीं है। फिर ये हमने ग्रेवी उसको कंप्लीट करी टमाटर डाल करके और आलू और गोभी को भी फ्राई किया, फिर उसको अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख देंगे, अब कल बनाई जाएगी। फिर ग्रेवी को अच्छे से पका लिया था ना, तो वो ख़राब नहीं होगी नेक्स्ट डे भी। तो बस आज का मतलब हमने जो टाइम लगाया वो फालतू वेस्ट हो गया, मतलब आजकल तो ऐसा होता ना सही में 1-1 मिनट की पड़ती है। और यही रीज़न है कि मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ, व्लॉग बनाओ ना तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए आपको इधर उधर होना पड़ता है। हमें नन्नू का, आपको पता है सब लोगों को, आप नन्नू का दांत जा चुका है, पहला दांत गया है, हम लोग को लग रहा था जा ही नहीं रहा है, फाइनली चला गया। और पता कैसे गया था, सो उठते हुए गया था, है ना, सोते सोते मतलब टूट गया था आधी रात, अभी नहीं मिला और दांत, दांत मिला, सिर्फ नन्नू को दांत नहीं मिल रहा था, रो रही हो गया, नन्नू का दांत चूहा ले जाएगा, नहीं मिला था। और कल मेरा टेस्ट है गाइस, तुम पढ़ेंगे गाइस बोल रही है व्हाट इज ये, नन्नू को डांट पड़ी है कि राइटिंग अच्छी लिखो, वरना राइटिंग देखो कैसी बेकार, दिखा ना, दिखा दिखा सबको दिखाओ, तो ये देखो राइटिंग कैसी लिख रही थी। फिर यहाँ पर थोड़ा सा डांटा है, थोड़ा ठीक किया है इसमें, ये गलत आया था तो मैंने इरेज करके फिर से रखा। हाँ तो अच्छा, अभी और किसका बचा होमवर्क, क्वेश्चन आंसर लर्न करो फिर पूछती हूँ। सो गाइस ये था छोटू सा व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग, बाय बाय।